एवरीबॉडी मैं हूं वर्षा स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पे यू हैव टू कीप अ वॉच आपको ट्रैक रखना है उन स्टॉक्स का और अगर आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है एंड इफ़ यू लाइक द कंपनी तो आप जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले आप उसमें इन्वेस्ट करना सोच सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं सो so, सबसे पहली कंपनी जहाँ आपको ध्यान देना है दैट इज़ पिक्स ट्रांसमिशन अब इसके ऊपर मैंने फुल फ्लैज वीडियो बनाया था जिसमें आपको पूरा बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल्स की हमने बात की थी आ, तो आ, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी आप देख सकते हैं पिक्स ट्रांसमिशन बेसिकली वी बेल्ट बनाती है तो आपके ऑटोमोबाइल्स हो गए या आपके सीमेंट क्रैशर्स हो गए ठीक है अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो भी क्रैशर्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर ये बेल्ट यूज़ किए जाते हैं वी बेल्ट तो फ़िलहाल विदाउट वी बेल्ट ये सीमेंट क्रैशर्स ये सब काम ही नहीं करेंगे और ये जो वी बेल्ट है ये लगते ही रहते हैं तो एक एक मेंटेनेंस साइकिल के बाद आपको ये वी बेल्ट रिप्लेस करने पड़ते हैं वरना आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी एंड डाउन टाइम बढ़ जाएगा और आपके दो तीन शिफ्ट्स तो उसको ठीक करने में ही लग जाएंगे तो वी बेल्ट एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक एन्यूटी काइंड ऑफ बिजनेस है ठीक है सो अब पिक्स जो है यहाँ पर आ, ये एक ये एक चीज़ हो गई नाउ पिक्स यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कर रही है सो फोर फाइव फोर फोर ईयर्स डाउन द लाइन आई एम एक्सपेक्टिंग कि इनके रेवेन्यूज डबल हो जाएंगे तो ये एक कंपनी है जहाँ पे आपको ध्यान देना है अगर मैं ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूँ तो फार्म मेकनाइजेशन हो गया देन एक्सपोर्ट कैन बी एज गेम चेंजर पिक्स के लिए और जैसे कि हमने बात की थी कैपेसिटी एक्सपेंशन पिक्स कर रही है सो फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी इस केस में सो so काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है सो दिस इज़ वन सच कंपनी जहाँ पे जिसको आपको ट्रैक करना है नेक्स्ट स्टॉक जो आपको ट्रैक रखना है दैट इज़ आर एच आई इसके ऊपर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है एंड आई गेस मेरे वीडियो बनाने के कुछ दिन बाद ही रिजल्ट अनाउंस हुए थे क्यू थ्री के रिजल्ट एंड द रिज़ल्ट वेर वेरी गुड और जिसकी वजह से शेयर प्राइस का शेयर प्राइस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई थी सो so, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है तो ये रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती हैं सो so, आपका जो स्टील uh, इंडस्ट्री हो गया या आपका ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया यहाँ पर ये रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं लेकिन मेजॉरिटी एप्लीकेशन रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स का स्टील इंडस्ट्री में होता है तो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो स्टील स्टील जिस तरह से बनाया जाता है आयो, आयन और को पिघला के तो जो फर्नेंस यूज होते हैं क्योंकि स्टील मैनुफैक्चरिंग में बहुत ही हाई हीट यूज़ होती है तो जो फर्नेंस होते हैं वो इतनी हाई हीट रेजिस्ट नहीं कर पाते इसके वजह से रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स यूज होते हैं तो फर्नेंस के अंदर रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं सो so ये जो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स है ये आर एच बनाती है और ये जो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स हैं ना ये अब ये कुछ इंडस्ट्री में कुछ दिनों में रिप्लेस किए जाते हैं कुछ इंडस्ट्री में कुछ महीनों में कुछ इंडस्ट्री में कुछ, इंडस्ट्री में, कुछ, इंडस्ट्री में, कुछ सालों में सो विदाउट रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स स्टील इंडस्ट्री या ग्लास मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो फर्नेंस है बेसिकली जो यूज़ होता है विदाउट रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स वो काम ही नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स भी हैं क्योंकि मेरे जो रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स है उसको इस्टेब्लिश करने में ही मेरे को तीन चार साल लग जाएंगे तो एक तरह से मोट भी है रीफैक्ट्री uh, प्रोडक्ट्स को एंड आर कंपनी को इस बारी का बजट में हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर डाला गया है तो ऐसे केस में आर एच आई मैग्नीसिटा को इनडायरेक्टली फ़ायदा ज़रूर होगा एंड सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी में क्या है जो मैगनीशिया ब्रिक्स होते हैं दैट इज़ मेजोरिटी मैग्नीशिया ब्रिक्स इंपोर्ट किए जाते हैं लेकिन आर एच आई का जो कटक का प्लांट है वहाँ पर ये लोग मैग्नीशिया ब्रिक्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो एक तरह से आप इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इसको समझ सकते हो जिससे आर को बहुत फ़ायदा होगा और एक एक ग्रो ड्राइवर क्या है ना कि ये जो कंपनी है बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आ रही है एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रही है जो इंडिया में कभी बने ही नहीं है सो so, काफ़ी अच्छा बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिससे कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है सो so, केपेक्स आ रहा है इनका ऑलमोस्ट फोर फिफ्टी का इसके वजह से इनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी सो so, ये समझ लो कि कुछ तीन तीन चार साल बाद इनके रेवेन्यूज़ भी डबल हो सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है ऑलमोस्ट फोर फिफ्टी का केपेक्स आ रहा है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है इस कंपनी में सो so, ये एक कंपनी है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं नेक्स्ट कंपनी जो आपको आपके वॉच लिस्ट में रखनी है दैट इज़ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो काफ़ी पहले बनाया था सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बेसिकली आपके ए आई सेगमेंट में है दैट इज एसटेल इंटरमीडिएट्स आपके एस SI आई में है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स और अभी फ्लोर स्पेशलिटी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट्स में भी कंपनी आ रही है तो फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स एक मुझे लगता है कि ये एक मेजर ग्रो ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए यहाँ से ही आपको 200-300 करोड़ रेवेन्यू स्टार्टिंग में तो यहीं से आ जाएंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की मैं बात कर रही हूँ पूरा बिजनेस मॉडल समझने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझेगा यहाँ पर अच्छी चीज़ें क्या हुई है ना कि जो एसेटिक एसिड है इनका जो वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स है वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है तो ऐसे केस में इनको रॉ मटेरियल कॉस्ट में काफ़ी फ़ायदा होगा इनका जो ए आई बिजनेस है वो एक तरह से कैश जनरेटिंग बिजनेस है और जो ऐसा SI बिज़नेस है वहाँ पे ये लोग नए मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हैं जो आगे जाके कुछ टाइम में कमर्शलाइज हो जाएंगे अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनकी फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की जहाँ पर इन लोग का ऑलमोस्ट फोर करोड़ के आसपास कैपेक्स हो रहा है अब ये फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की वजह से क्या होगा एक तो आपके मार्जिन कंपेरिटिवली थोड़े एक्सपैंड होंगे और सेकेंड चीज़ ये कि इस फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट से ही कंपनी ऑलमोस्ट 200 हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है इस इस सेगमेंट से एंड थ्री इयर्स डाउन द लाइन आप फुल यूटिलाइजेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो सो so, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इस कंपनी में हो रही है एंड uh, आपको ये कंपनी को वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए क्योंकि जो फ्लो जो फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स हैं या जो फ्लोरीन फ्लोरिन एज अ केमिस्ट्री है यहाँ पर अगर आप देखोगे वन एंड एवरी थ्री ए पी आई विल बी बेस्ड ऑन फ्लोरिन फ्लोरिन केमिस्ट्री या अगर आप uh, एग्रो केमिकल्स की बात करें वहाँ पर फ्लो, फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स काफ़ी यूज़ होंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है uh, इस सेगमेंट में और लक्ष्मी काफ़ी अच्छा केपेक्स कर रही है व्हेन इट कम्स टू फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स तो ये कंपनी पे इस कंपनी को आप अपने वॉचलिस्ट पर ज़रूर रखिएगा नेक्स्ट आपको जिस कंपनी पे ध्यान देना है दैट इज एच सी जी इट्स एन हॉस्पिटल स्टॉक इसको भी मैंने इन डिटेल कवर किया है सो so मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी आप देख सकते हैं अगेन uh, ये इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे एच ने काफ़ी कैपेक्स किया है तो अब इनका साइकिल रुक चुका है सो तो जो पिछले काफ़ी सालों से जो कैपेक्स किया था अब दैट विल टर्न इनटू पॉजिटिव सो वहाँ से अब आप देखोगे कि नंबर्स आना शुरू होंगे सो so, ये एक स्टॉक है जहाँ पर आपको आ, ध्यान देना है यू हैव टू कीप दिस स्टॉक इन टू योर वॉच लिस्ट और फुल डिटेल वीडियो के लिए बिजनेस मॉडल समझने के लिए सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दी है इस वीडियो की आप ज़रूर देख सकते हैं सो so, ये कुछ स्टॉक्स थे ऑफकोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मार्केट वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं जो भी स्टॉक्स आपसे मिस हो चुके हैं अगर वो अच्छे लेवल्स पे हैं तो आप एज एन अपॉर्चुनिटी उसको देख रहे हैं uh, अगर आपको डर लग रहा है जस्ट बी पेशेंट अपने स्टॉक्स को होल्ड कीजिए ऑफकोर्स उन स्टॉक्स को जिन पे आपको भरोसा है जिन पे आपको कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा करेंगे लॉन्ग टर्म में तो जस्ट यू हैव टू होल्ड इट पेशेंस रखिए डरने वाली कोई बात नहीं है कुछ टाइम बाद यू विल बी हैप्पी जब आपके स्टॉक जूम से ऊपर चले जाएंगे सो so, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए जय हिंद एंड नमस्ते